वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खमन ढोकला। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे हम सिर्फ 10 मिनट में मार्केट जैसा सॉफ्ट एंड स्पंजी खमन ढोकला बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन एंड 1/2 कप रवा। हम रवे को बेसन में ऐड कर देंगे, रवे से हमारा ढोकला और सॉफ्ट एंड स्पंजी बनता है, तो हम इसमें रवा भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। हमारा बैटर थोड़ा थिक होना चाहिए, ज़्यादा थीन हमें नहीं करना है, तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बेसन के खमंड बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। और ये सिर्फ 10 मिनट में बन भी जाती है, तो आप कभी कोई भी जल्दी है, आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं, तो आप इसे इंस्टेंट सिर्फ 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून हल्दी। इससे हमारे खमन में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। एंड 1/2 टीस्पून साइट्रिक एसिड, इसे टार्टरी भी कहते हैं। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है। ये देखिए हमारा बैटर एकदम तैयार है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो आप इसे हाथों भी बना सकते हैं। आप 10 मिनट भी वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे हाथों बना लीजिए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और हमारा बैटर थोड़ा फूल गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर कितना फूल गया है। ये देखिए हमारा बैटर बहुत फूल गया है। अब हम एक मोल्ड लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि हमारा खमन ढोकला चिपके नहीं। हम इसे जल्दी से ऑयल लगा लेंगे, ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है। और अब हम इस बैटर को हमारे मोल्ड में डाल देंगे। हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और अब हम हमारे इस मोल्ड को इडली पॉट में 10 मिनट्स के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट तक वेट करेंगे। जब तक कि हमारा खमंड हो रहा है, तब तक हम इसके तड़के रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने लिया है करी पत्ता एंड 5 से 6 मिर्च मैंने इसे बीच में से काट ली है, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून तिली, 2 टेबलस्पून शुगर एंड 1 टेबलस्पून नमक। अब हम एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। हमें इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसे गर्म करने के लिए रख देना है। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे। हरी मिर्च, राई एंड तिल्ली। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो हरी मिर्च है और सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से फ्राई हो जाए।
हमें इसे 10 से 20 सेकंड के लिए ही चलाना है। ये देखिए सब फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हमें कम से कम 1 ग्लास इतना इसमें पानी ऐड करना है और उसे अच्छे से बॉईल होने देना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो सॉल्ट था वो ऐड करेंगे एंड शुगर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये देखिए हमारा तड़का बॉईल हो गया है और ये एकदम रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम हमारे खमंड को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा खमंड कितना फूल गया है। अब हम इसमें टूथपिक डाल के देखेंगे कि ये चिपक रहा है या नहीं। अगर चिपकता है तो हम इसमें 5 मिनट तक और रख देंगे। नहीं, ये देखिए नहीं चिपक रहा है, मतलब हमारा खमन ढोकला ओनली 10 मिनट्स में रेडी है। इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है। तो आप खाली 10 मिनट में इस खमन को ऐड कर सक बना सकते हो। अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से अपने इच्छा के अनुसार पीसेस में काट सकते हैं। आप जिस भी शेप में चाहे उस शेप में इसे काट सकते हैं। ये देखिए मैंने पीसेस कर लिए हैं। और ये कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है, एकदम मार्केट जितना। अब हम इसमें तड़का ऐड करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो खमंड है और तड़का है दोनों थोड़ा ठंडा होने देना है। अगर हम गर्म गर्म में ऐड करेंगे तो हमारे जो खमंड है वो नरम हो जाएंगे। तो हमारे खमंड को भी थोड़े से ठंडा होने देना है और तड़के को भी। अब हमारा जो तड़का है वो हम पूरा ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों हमारा खमन ढोकला एकदम रेडी है खाने के लिए। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को आप प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा।